असलामुअलैकुम जी आयानू, वेलकम करती हैं एक नए व्लॉग ना थोड़े अपने ही चैनल शमाइला व्लॉग्स। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जी तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गांव की सुबह की रूटीन। आप लोग सुन रहे हैं अभी भी नमाज़ के बाद मस्जिद से ऐलान की नात वग़ैरह पढ़ने की आवाज़ आ रही है। और मैं आपको बताने जा रही हूँ आज के ये देखिए सुबह सुबह ये इतने ज़्यादा जूते कहाँ से आए, इतने ज़्यादा लोग सुबह सुबह आखिर क्या करने आते हैं। तो इसमें छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं अभी माशाल्लाह। तो आज आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो बच्चे सुबह सुबह क्या करने आ जाते हैं। और वो रोज़ाना आते हैं माशाल्लाह से, सब बच्चे डेली रूटीन के साथ हर माँ अपने बच्चों को भेजती है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से यहाँ पर कुरान की तालीम दी जा रही है। हदीस में इरशाद है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, जो कि दुनिया और आखिरत दोनों में काम आएगी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, सब ठीक हो? चलिए अब इनसे कुछ सुनकर देखते हैं ये छोटे छोटे बच्चे आखिर पढ़ते कैसे हैं। कुरान पाक दुनिया के हर इंसान के लिए हदायत और मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर नाजिल किया गया। तो जी इन छोटे छोटे बच्चे, बच्चियों की माएँ गर्मी हो सर्दी हो इन बच्चों को रूटीन के साथ कुरान की तालीम हासिल करने के लिए भेजती हैं। और खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला इल्म हासिल करने के साथ साथ उसे दूसरों तक पहुँचाने की भी तौफीक देते हैं। तो आप इसे वो खुशनसीब कौन है कॉमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।